नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इन दिनों राहुल गांधी लंदन में है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने अजीबोगरीब बात कह दी। जितनी तारीफ चाइना खुद की नहीं करता, राहुल गांधी ने चाइना की तारीफ करना शुरू कर दी। जब वो हिंदुस्तान में रहते तो वो कहते हैं, भाई चाइनीज घुस गए, हिंदुस्तान की सेना चीन की सेना से पिट रही है। और जब वो बाहर जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई चीन तो बड़ा ही सद्भावना फैलाने वाला मुल्क है, चीनी जो है वो दुनिया में सद्भावना फैलाते हैं। ये चीन के साथ किस तरह की नमक हलाली राहुल गांधी कर रहे हैं और इस तरह के बयान से सेना के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, उनके मोराल के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब कोई नेता इस तरह से कहता है, जब हमारे ट्रुप्स चीन के सामने खड़े हैं, बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, और कोई नेता हिंदुस्तान का विदेश जाकर के ये कहे कि चीनी तो बड़े अच्छे हैं, वो सद्भावना फैलाते हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट सेना के मोराल के ऊपर होता है या नहीं होता है? देखिए, हम सेना में हम लोग जानते हैं कि कुछ पॉलिटिशियंस हिंदुस्तान के ऐसे हैं कि वो खाली अपने कुर्सी की भक्ति करते हैं, राष्ट्रभक्ति नहीं करते। तो फौज में हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग ऐसे ऐसे करके नेगलेक्ट कर देते हैं। इनको जो बोलना बोले, अनइम्पॉर्टेंट बेकार की बात है, नॉट टू बी टेकन नोट ऑफ, इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा फौज का बहुत सिंपल तरीका है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्टर्ब नहीं होते। हम जानते हैं इनका चरित्र, तो हम डिस्टर्ब नहीं होते। जब अपना ये जो भूटान के हो रहा था, अपना वहाँ पे समस्या हो रही थी डोकलाम में, ये एम्बेसडर के साथ लंच डिनर खा रहे थे। क्यों भाई? राहुल गांधी को ये बोलना पड़ेगा कि फैसला देना पड़ेगा कि क्या चीन हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। ये उनको ये पोजीशन साफ करना पड़ेगा। यदि दुश्मन है तो आप दुश्मन की बड़ाई क्यों करते रहते हो टाइम टू टाइम कि हिंदुस्तान के फौजी पिट गए, ऐसा हो गया, आर्मी पिट गए, चाइनीज बड़े तैयार हैं, सारे बड़े तैयार हैं, वो कभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बॉर्डर तक घुस आए हैं, और कोई डिफेंस पॉलिसी आपका नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि विदेश जाके चीन का बड़ाई कर रहे हो, एक दुश्मन देश का विदेश में जाके आप बड़ाई करते हो कैम्ब्रिज में, ये क्या संदेश आप दे रहे हो? जब भी किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं पूछा, क्या संदेश देना चाहते हो? तो इसके कई एंगल मेरे दिमाग में आता है। पहला, 2008 का MOU जिसका टेक्स्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये सबूत मांगते रहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दे दो, उसका सबूत दे दो। अरे भाई, MOU जो साइन किए 2008 चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के जो मनीष, कोई भी विश्व में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी एक दुश्मन देश के साथ MOU साइन किया है तो बता दो। नील, देश साइन करता है MOU दूसरे देश के साथ, एक पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान का दुश्मन देश के साथ MOU नहीं साइन कर सकता। एक और बिंदु, मैं क्वेश्चन फॉर्म में बात करूंगा, क्या यह सच है? यह कांग्रेस को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि स्विट्जरलैंड में जो पैसा था वो कहां ट्रांसफर हुआ, क्या वो चीन में ट्रांसफर हुआ है? ये चीन ऐसी कौन सी राज है जो चीन के पास पड़ी है, कांग्रेस नेहरू परिवार का, जिसको चीन नचाता है और ये लोग नाचते हैं। रफाल का टेक्निकल डिटेल्स मानने के लिए किसके इशारे पे ये नाचिए, क्योंकि चीन को चाहिए था डिटेल्स। ब्रह्मोस का डेवलपमेंट जब वाजपेयी जी शुरू कर दिए थे, जो ही UPA सरकार आई, सोनिया ने क्यों उसको रोक दिया, चीन के कहने पर। यह सच है कि चीन के कहने पर राजीव गांधी अरुणाचल प्रदेश गए थे, उस समय ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे जनरल VK शर्मा, ईस्टर्न आर्मी कमांडर, उन पर दबाव डालने के लिए कि चीन पे गोली मत चलाओ। मैंने इस देश के मतलब कांग्रेस को ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा, चीन दुश्मन है या दोस्त है? और दुश्मन है तो दुश्मन की बड़ाई क्या ये राष्ट्रभक्ति है, ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, यदि दुश्मन है या तो बोल दो कि दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है, पूरा देश देखे इस बात को, जाने समझे कि कांग्रेस बोलती है चीन हमारा दोस्त है।
तो ऐसा तो ये करते नहीं है, तो और गलवान के समय भी बहुत खराब रोल रहा था। तब कैलाश मानसरोवर के लिए जब जा रहे थे सो कॉल्ड विजिट के लिए, तो इंडियन पोस्ट पे क्यों गए नहीं, क्यों नहीं गए चाइनीज पोस्ट पे क्यों नहीं गए? और वो जो थैला ले गए थे उसमें कौन सा कागज था, वो कौन कागज हैंडओवर किया गया है चीनी को? तो ये जो ऑफसेट क्लॉज में अंबानी को कर दिया, अंबानी को कर दिया, अरे यार 50,000 या 60,000 का टोटल एसओ वैल्यू है, 1% अंबानी को गया है ऑफसेट, वो भी ऑफसेट कुछ काम की वजह से, कुछ काम की वजह से क्या? तो 1% को आप इतना महत्व दे रहे हो, जो 99% है पीएससी को गया, बाकी लोग को गया। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी बार बार चीन पाकिस्तान इस तरह से वो जो बातचीत करते हैं उसका क्या ध्येय हो सकता है? देखिए, एक तो ध्येय है इनकॉम्पिटेंस, काबिलियत है नहीं, सोच है नहीं, विश्लेषण करने की क्षमता है नहीं। और कभी कभी तो मुझे उनके मानसिक स्थिति पे मेरे को चिंता होती है, वो अपना मानसिक एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन साइकेट्रिस्ट से करवा लें, क्योंकि कभी कभी ऐसी ऐसी बात कर देते हैं ना कि पहले तो हंसी आती है लेकिन फिर चिंता हो जाती है कि ये व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और फिर मैं कांपने लगता हूँ कि यदि यूएनओ में गया और इसने मुंह खोला तो हमारी तो इज्जत का फलूदा निकल जाएगा भाई, हमारा इज्जत का फलूदा निकल, हम तो ढूंढ रहे होंगे जगह नाक छुपाने के लिए, कहाँ कहाँ छुपाएं, कहाँ चेहरा छुपाया जाए, कहाँ चेहरा छुपाया जाए। मतलब क्या ये आदमी है? लेकिन इससे और गंभीर विषय ये है, जब आप जानबूझ के अनजाने में यदि चीन और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उसके हम सफ़र या हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप दोस्त को मजबूत कर रहे हैं, दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? दुश्मन देश को आप मजबूत कर रहे हैं तो क्या ये राष्ट्रभक्ति है? बिल्कुल नहीं। क्या इसको राष्ट्रद्रोह नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल है। यदि राष्ट्रद्रोह है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इंडियन पीनल कोड आईपीसी 121, आईपीसी 124A को पूर्ण रूप से परिभाषित करिए मौजूदा सरकार, और उस तरह के रोग एलिमेंट्स को जो है वो जेल के अंदर डालिए। भारत माता को मुक्ति दिलवाना चाहिए। ये तो आज राहुल गांधी, मैं बहुत ब्लंटली कर रहा हूँ, आज राहुल गांधी पॉलिटिक्स में है वाजपेयी जी की मेहरबानी से। क्या अमेरिका में वो जेल में नहीं थे? और दो कारणों से जेल में, दो चार्ज था, कैश एक्स्ट्रा प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से एक्स्ट्रा ले जा रहे थे, और दूसरा ड्रग्स पोजीशन। वो तो वाजपेयी जी की, वो तो हृदय सम्राट थे, वो तो बहुत ही दयालु थे। पॉलिटिक्स लोगों ने पॉलिटिक्स के लिए उनको बहुत फ़ायदा उनका उठाया, उन्होंने इंटरवीन किया। अब जब प्राइम मिनिस्टर का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसी को बोलता है ये हमारा बंदा है भाई, छोड़ दो उसको, इरेस्पेक्टिव ऑफ मेरिट, छोड़ दिया गया। 106 साल के लिए जो चार्जेस था, 106 साल के लिए राहुल गांधी जेल में रहते अमेरिका के, उतना तो जिंदा भी नहीं रहते, रीबर्थ होके फिर उनको जेल जाना पड़ता है। ये तो वाजपेयी जी की गलती मैं कहूँगा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वाजपेयी मेरी बहुत बहुत सम्माननीय है, सम्मानपूर्ण है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे दुख लगता है कि आपके, उसको बचाना नहीं चाहिए था, आपके दयालुता का अभी कंपनसेशन हम लोग को देना पड़ रहा है, ये कष्ट है इस बात की। तो राहुल गांधी धीरे धीरे राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उमर्ज कर रहे हैं, माय गॉड, और देश की सरकार को, देश की सुरक्षा व्यवस्था को इस पर चिंतन करने की जरूरत है। क्या ऐसे आदमी को फ्री रन दिया जा सकता है या लगाम बांधने की जरूरत है? ये तो इस पर बहुत गंभीर चिंतन है, आपने सही विषय पकड़ा है, ये बेकाबू हो रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, घोड़े पे बैठ जाते पता नहीं किस दिशा में निकल जाते हैं, और वहाँ पे जाकर के प्रधानमंत्री को हराने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये तमाम CIA तो चाइना तो ISI की मदद मांग रहे हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है, इनको अल्टीमेटम देना चाहिए कि MOU 2008 का कॉपी दो सरकार को, ये सिक्योरिटी मामला है, और नहीं दे सकते हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता ना कि हम लोग चुपचाप देश में बैठे और एक आदमी मनमानी करता रहे और जो मर्जी करे भारत माता को तबाह करता रहे, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राहुल गांधी के बयान के ऊपर पूरा विश्लेषण अच्छे तरीके से किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।